हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ममता की रसोई। आज मैं आप लोग से बेबी कॉर्न चिली ड्राई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए देखिए मैं उन सब चीज में क्या क्या डालती हूँ। तो ये मैंने मार्केट से बेबी कॉर्न मंगा लिया है, देख रहे होंगे आप लोग इस तरह से। और इसे मैं कट कर लूँगी, अभी मैं पूरा दिखा रही हूँ आप लोग को। इसको मैं छोटे छोटे पीस में कट करूँगी तो फिर दिखाऊंगी। और ये मैंने प्याज को भी कट कर लिया है, ये प्याज आप लोग देख रहे होंगे इस तरह से चिल्ली में, इस तरह से बड़े बड़े आकार में काट ली हूँ। और ये शिमला है, शिमला मिर्च मैं ग्रीन कलर का, रेड और येलो मैं तीन कलर का ली हूँ, क्योंकि ये कलरफुल है, अच्छे लगेंगे लेकिन टेस्ट सभी का एक ही जैसा होता है। और ये हरी मिर्च इसको मैं बारीक काट ली हूँ, लहसुन इसको भी काट ली हूँ, और ये अदरक इसको भी मैं काट ली हूँ, कस कर ली हूँ। और ये मैदा है, ये अरारोट पाउडर, और ये वायल जिस वाल में मैं बनाऊंगी, आप जिस चावल पसंद करते हैं वो अपना बनाइएगा। और ये सॉस, टमाटो सॉस, चिली सॉस, और ये सोया सॉस, नमक, गोल मिर्च पाउडर, और ये मैं थोड़ा सा फूड कलर ली हूँ, क्योंकि कलर थोड़ा डालने से अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं, नहीं भी तो मैं बनाना शुरू करती हूँ, फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये मैं देखिए पीस पीस काट ली हूँ बेबी कॉर्न का, आप लोग देख रहे होंगे इस तरह से मैं लंबा लंबा छोटा छोटा पीस बना ली हूँ। एक बाउल में काट के रख ली और धो ली हूँ अच्छी तरह से, इसको साफ कर ली हूँ। अब मैं इसमें मैदा डाल रही हूँ, बस दो तीन चम्मच, आप फिर दे सकते हैं जैसा आपको जरूरत लगे। तो मैं इतना डाली हूँ। उसके बाद ये अरारोट पाउडर एक चम्मच डाल रही हूँ, ये बाइंडिंग के लिए सही होती है, इससे बाइंडिंग होती है, तो मैं इसको भी डाल दी हूँ। और थोड़ा सा बचा रखी हूँ डालने के लिए बाद में। और ये नमक आप स्वाद अनुसार डालें जितना आपका चीज है। ये गोल मिर्च पाउडर इसको मैं हाफ डाल रही हूँ और हाफ बचा के रख लेती हूँ थोड़ा सा। और ये मैं कलर डाल रही हूँ फूड कलर, और थोड़ा सा रखी हूँ और थोड़ा डाल दे रही हूँ, फिर बाद में भी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद ये सबको मैं मिला दे रही हूँ। इसके बाद मैं थोड़ा सा पानी दे रही हूँ, अब ज्यादा पानी मत देना, थोड़ा सा मिला करके देख लेती हूँ। मिलाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कितने पानी की इसमें जरूरत पड़ती है। ज्यादा पतला इसका घोल नहीं तैयार करना है, सिर्फ एक कॉर्न में लिपट जाए सारा। देखिए इस तरह से हो गया, और एक दूसरे से सब जुड़ गए हैं। इसमें मैं थोड़ा सा और डालती हूँ। तो अब मेरा ये तैयार हो चुका, देखिए इसकी बाइंडिंग अच्छी हो गई है, एक दूसरे में सब मिल गए हैं। अब मैं इसको कढ़ाई चढ़ाती हूँ, गर्म करती हूँ, फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ गैस पे, देखिए मेरा कढ़ाई गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ऑयल डाल दे रही हूँ, अब ये गर्म हो रहा है। तो ये देखिए गर्म हो गया है, अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ बेबी कॉर्न, देख रहे होंगे आप लोग इस तरह से अलग अलग करके डालना है, और इसको छान कर निकाल लेंगे। तो मैं सारा पहले छान के निकाल लेती हूँ, फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ, थोड़ा सा लाल करके इसको निकाल लेना है। तो देखिए इस तरह से लाल हो गया, अच्छी तरह से करारा भी हो गया है। अब मैं इसको निकाल ले रही हूँ इस तरह से, आप छन्नी वाला से निकालिए ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल हो निकल जाए। तो देखिए मैं इस तरह से निकाल ले रही हूँ, और फिर और डाल देती हूँ, सारा छान के निकाल लेती हूँ, फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये मैं देखिए मेरा कढ़ाई में जो एक्स्ट्रा ऑयल बच गया था, अब इसको मैं इसी में रहने दी हूँ। और इसको मैं, ये गर्म है ही, अब इसमें मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ।
मैं ये प्याज डाल दे रही हूँ। लहसुन डाल रही हूँ। प्याज भी डाल दी हूँ मैं। अब मैं ये शिमला ग्रीन रेड येलो साड़ी शिमला जो था सारा शिमला मिर्च मैं डाल दे रही हूँ इसमें। अब मैं अदरक भी डाल रही हूँ। तो मैं सारा सब्जी जो था वो मैं डाल दी हूँ। अब इसको मैं थोड़ा सा भून ले रही हूँ, 5 मिनट तक इसको भूनूंगी सारा सब्जी डाल करके। तो ये देखिए भून के तैयार हो गया है, इसका कलर चेंज हो गया, प्याज भी अच्छी तरह से हो गया है सारा सब्जी। और मैं इसमें गोल मिर्च पाउडर थोड़ा सा बचा के रखी थी उसको मैं डाल दे रही हूँ। और ये थोड़ा सा नमक, क्योंकि मैं उस समय तो बेबी कॉर्न में ही डाली थी, अब इसके अनुसार तो मैं डाल दे रही हूँ थोड़ा नमक। ये मिला दी। उसके बाद में ये चिली सॉस, ये टमाटो सॉस, और ये सोया सॉस डाल दे रही हूँ। और इसको मिला करके फिर मैं थोड़ा देर इसको फिर मैं 2-3 मिनट तक इसको भूनती हूँ साथ में। तो ये देखिए सॉस जैसे भून गया है अच्छी तरह से। मैं इसमें अब ये कॉर्न निछान के रखी थी इसको मैं डाल दे रही हूँ और इसको मिला दे रही हूँ। और फिर मैं इसके साथ 2 मिनट तक तैयार करती हूँ। तो ये अच्छी तरह से इसको भी मैं मिला रही हूँ। और ये मैं अरारोट पाउडर जो थोड़ा बचा के रखी थी उसे उसी में मैं डाल दी हूँ कलर, और पानी के साथ इसका मैं घोल बना ली हूँ। अब इसमें मैं इसको डाल दे रही हूँ। तो ये मेरा बनके तैयार हो गया, आप लोग देख रहे होंगे। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। ये अच्छी तरह से तैयार हो गया है, देखिए बेबी कॉर्न ड्राई है बिल्कुल, क्योंकि मैं ड्राई बनाई हूँ। आपको अगर ग्रेवी डैम बनाना हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके और ग्रेवी बना सकते हैं, लेकिन मैं ड्राई बनाई हूँ और ड्राई ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए तैयार हो गया है, फिर मैं इसकी प्लेटिंग करके आप लोग को दिखा। मैं ड्राई बेबी कॉर्न चिली देखिए बन के रेडी हो गया है। तो आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे वीडियो को देखिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्त रिश्तेदार के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।